हाय सर, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं सिद्दीपुर डिस्ट्रिक्ट गजवेल से बिलोंग करता हूं और मैं एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। फ़िलहाल अभी तो मेडिकल लीव पे हूं। सो मेरे को किडनी इश्यूज़ हुआ 2018 में। मेरे को पता चला गया कि मेरे किडनीज़ फेल हो गए। तो फिर उसके बाद मेरे को इमीडिएटली डायलिसिस पे डाल दिया गया। कहाँ, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया? ये हैदराबाद में यशोदा बोल के नाम है हॉस्पिटल का। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ था मैं। तो फिर वहाँ से जैसे कि जुगलर डाला गया, फिर पम्प कैथेटर डाला गया, फिर उसके बाद फिस्टूला डाला गया। तो वीकली थ्राइस मेरे को अभी डायलिसिस चलता है। तो लगभग लगता है कि मैं 1000 के ऊपर डायलिसिस। तीन बार करते हैं डायलिसिस? हाँ, वीकली तीन बार करते हैं डायलिसिस। जी। तो अभी लगभग 1000 के ऊपर हो गया मेरे डायलिसिस लास्ट 3.5 ईयर्स में। तो उसके बाद मेरे को एक इरफान भाई बोल के है जो संगरेडी से, जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था। उन्होंने वीडियोस भेजा था सर के। तो उसके बाद मैंने देखने स्टार्ट किया। फिर मेरे दोस्त को भी भेजा, उसका नाम, वो भी एक सीकेडी पेशेंट है, तो उसको भी भेजा। फिर हम दोनों ने बैठ कर डिसाइड किया कि यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। आप अपने दोस्त के साथ यहाँ आए हैं? जी हाँ, ये है मेरा दोस्त यादगिरी। ये भी एक साथ ही काम करते? ये एक्चुअली मेरे साथ काम नहीं करता, मेरे साथ में रहता है, मेरे गाँव का है। जी। तो ये भी सीकेडी फाइव है, इसको एक साल से ये सफ़र हो रहा है। इसको भी वीकली थ्राइस है डायलिसिस। यहाँ आपको क्या क्या थेरेपी के तौर पे यहाँ पे हिम्स में क्या क्या दिया जाता है? ये हिम्स में एक वाटर थेरेपी है, वाटर टब थेरेपी है, हॉट वाटर थेरेपी है। फिर उसके बाद हेड डाउन थेरेपी है। 10 डिग्री पे जो है चारपाई को टिल्ट कर राइज। जी, अगर किसी का बीपी ज़्यादा है तो 5 डिग्री पे करना चाहिए। वो मेरा दोस्त का बीपी ज़्यादा रहता है तो वो 5 डिग्री पे करता है। क्या है यहाँ पे? इसके अलावा लेग एलिवेशन का है, अगर किसी का बीपी है तो वो पानी में पैर रख कर बैठते हैं। जी, तो पंचकर्मा वगैरह? जी हाँ, पंचकर्मा भी है। वो कुछ तेल वगैरह ड्रॉप करते हैं तो पेट के सफाई के लिए कुछ बोल के। मड थेरेपी? जी, मड थेरेपी हमारा नहीं हो रहा। आपका नहीं हुआ? जी यहाँ पे है वैसे, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। जी, वो हमें जरूरत नहीं है बोल के बोले। डीआईपी डाइट जो आपको यहाँ दिया जा रहा है, आप उसको खुशी से मनपूर्वक खा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 3.5 साल से सफ़र हो रहे हैं डायलिसिस, कुछ अच्छा नहीं हुआ। डायलिसिस हो रहा है, बस जा रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है, हमारी जॉब चली गई, मतलब जॉब मेडिकल लीव पे, जॉब नहीं कर पा रहे हैं। इतना काम में हैम्पर हुआ आपको, अगर वो सब ये थेरेपी 7-8 साल पहले पता होता जी तो कितना जिंदगी अलग होता? बहुत अच्छा, बेटर होता और मेरी जॉब कंटिन्यू रहती, शायद मेरा अभी सैलरी बढ़ जाती, हाइक होती, या कंपनी चेंज होता, जो भी होता, लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल रहती मेरी। लेकिन अभी तो क्या है मालूम है, थोड़ा आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का थेरेपी जो ट्रीटमेंट यहाँ सिखाया जा रहा है, आप घर में कितने दिन करेंगे तो पूरी तरह क्योर हो सकते हैं? मेरे जैसे पेशेंट तो लगभग एक 1.5 मंथ 2 मंथ तो कंपलसरी करना चाहिए, तो तब जाके फिर देखने में तो बिल्कुल पेशेंट लगते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं लगते। कैसे, मतलब समझ नहीं आता है पेशेंट कैसे हो जाते हैं? जी, ऐसे इस तरह का थेरेपी में लग रहा है आपको 1-2 महीने करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी क्या है ना सर, मेरे को यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं है, जीरो है। लास्ट 3 ईयर से यूरिन आउटपुट एकदम जीरो है। तो वही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यूरिन नहीं होता। अगर मैं कुछ भी ऐसा खाया तो पोटेशियम वैल्यूज। अभी आपका 3 दिन हुआ है ना? जी, 3 दिन। एक सप्ते में काफी फर्क आ जाएगा। जी। और घर पे करेंगे? जी बिल्कुल, करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर हम ट्रेनिंग भी लेंगे, यहाँ पर सीखेंगे यहाँ से, और डाइट कैसा फॉलो करना है पूरा सब डायरी में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि घर जाने के बाद हमें दिक्कत ना हो, तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ के टीम और डॉक्टर विश्वरूप सर को क्या बोलना चाहेंगे? विश्वरूप सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं बता नहीं सकता आपको, आपको आपसे मिलने की एक चाहत है, एक खुशी है, आपसे मिलना चाह रहा था। यहाँ मालूम हुआ कि जैसे हम आए उससे एक दिन पहले आप यहाँ से चले गए, तो हम बहुत दुख लगा हम आपको। पूरी तरह से ठीक होके मिलेंगे सर, यही चाह रहे। ज़रूर ज़रूर। और सर, और एक रिक्वेस्ट है पूरा तेलंगाना से, कि तेलंगाना में भी किडनी के पेशेंट्स बहुत है, आप जल्द से जल्द हैदराबाद में या सिद्दीपेट में एक हॉस्पिटल आपका खोलिए। ये ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पर भी अगर मिला ना तो बहुत सारे पेशेंट अच्छे हो जाएंगे। आपको लगता नहीं कि यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं आप? बहुत अच्छा है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा है, कुछ हॉस्पिटल जैसा फील नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, और राजू सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, सब अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छे ही हो जाएंगे सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सर।